और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आप जिस गैंगस्टर की कहानी आपको बताने वाले हैं उसके लिए अगर ये कहा जाए कि वर्तमान में सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला शूटर है तो गलत नहीं। अगर आज मास्टरमाइंड जिसकी क्राइम कुंडली आपको दिखाने वाले हैं अगर कहा जाए कि वो लॉरेंस बिश्नोई का सोशल मीडिया हैंडलर है तो गलत नहीं। अब जिस गैंगस्टर की हिस्ट्री शीट हम खोलने वाले हैं उसने जयपुर में हाल ही में सनसनी पैदा कर दी। ये 1 लाख का इनामी बदमाश है, खुद बॉक्सर बनना चाहता था लेकिन अपराध की दुनिया पर ऐसा निकला कि बन गया ऋतिक बॉक्सर। तेजी से पुलिस के रडार पर आया। इसकी क्राइम शीट ज्यादा पुरानी नहीं है लेकिन जितनी भी पुरानी है उसमें पुलिस को सीधी चुनौती दी गई। जो क्राइम किए गए उसे तेजी से रडार पर आ गया। लॉरेंस का खास माना जाने वाला ऋतिक बॉक्सर सिर्फ 5 साल में ही 1 लाख का इनामी बदमाश बन जाएगा, यह पुलिस ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अपराध की दुनिया पर जिस लड़के ने कदम रखने के बाद खुद को बर्बाद करते हुए बदमाश बनने की ठानी, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। उम्र 25 साल, पता मालवीय नगर सेक्टर 12 जयपुर। सपना बॉक्सिंग, हकीकत शार्प शूटर। रोल मॉडल लॉरेंस बिश्नोई। इनाम 1 लाख। नाम ऋतिक बॉक्सर उर्फ ऋतिक ठकरानी। कुछ महीने पहले तक ऋतिक बॉक्सर के नाम को कोई नहीं जानता था। पुलिस की क्राइम शीट में भी ऋतिक का नाम सुर्खियों में नहीं था। पुलिस के रडार पर भी ऋतिक प्राथमिकता में नहीं था। लेकिन अचानक से जब प्रदेश की राजधानी में गोलियों की आवाज गूंजने लगी, हवा में बारूद घुलने लगा, व्यापारियों में खौफ पैदा होने लगा और पुलिस को खुलेआम चुनौती मिलने लगी, तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ऋतिक बॉक्सर का नाम सुर्खियां बनने लगा। राजधानी जयपुर के जी क्लब पर जब फायरिंग हुई तो पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि इसके पीछे कौन है। तभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट में इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली जाती है और लिखा जाता है कि राम राम जयपुर, ये जो जी क्लब पर फायरिंग हुई है वो मैंने यानी ऋतिक बॉक्सर और अनमोल बिश्नोई ने कराई है। याद रहे सबका नंबर आएगा, जय बलकारी LB गैंग। इस पोस्ट और इस संदेश ने ऋतिक बॉक्सर को रातों रात पुलिस के रडार पर ला दिया और देखते ही देखते ऋतिक पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। साथ ही इस मैसेज में ये भी बता दिया गया कि ऋतिक लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है, क्योंकि इस संदेश में नीचे लिखा था LB गैंग यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अब ये पुलिस के लिए चुनौती थी कि ऋतिक बॉक्सर को कैसे पकड़ा जाए। हम आपको बताएंगे ऋतिक की पूरी क्राइम कुंडली और अभी ऋतिक कहाँ है, ये पोस्ट किसने की, लॉरेंस ने ऋतिक के बारे में क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ऋतिक कौन है, कहाँ का रहने वाला है, ऋतिक का बचपन कैसा रहा, परिवार में कौन कौन है और क्राइम की दुनिया में ऋतिक ने एंट्री कैसे ली। ऋतिक के पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। ऋतिक ने अपनी स्कूली शिक्षा मालवीय नगर के सरकारी स्कूल से की। ऋतिक के परिवार में माँ के अलावा एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। ऋतिक की माँ टिफिन सेंटर चलाकर अपना गुजर बसर करती है। अपने बचपन में ऋतिक ने काफी गरीबी देखी है। छोटी उम्र में पिता के निधन के बाद तो मानो परिवार पर आसमान टूट पड़ा, या फिर यूं कहें कि परिवार बिखरने लगा।
ऐसे में ऋतिक की माँ ने टिफिन सेंटर खोलकर पूरे परिवार को संभाला। यही वो समय था तब ऋतिक ने सोच लिया कि किसी भी तरीके से उस गरीब को हटाना होगा और कहीं ना कहीं अपने लिए इनकम का सोर्स तलाशना जरूरी होगा। ऐसे में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद ऋतिक ने कॉलेज से नहीं बल्कि प्राइवेट ही ग्रेजुएशन पूरी करने की सोची और ऋतिक ने किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। इसके बावजूद ऋतिक लगातार विश्वविद्यालय आता जाता रहा और वहां के विद्यार्थियों से अच्छे संबंध भी बना लिए, क्योंकि ऋतिक को बचपन से ही जिम जाने और बॉक्सिंग का शौक रहा है। ऐसे में पैसे की कमी के चलते बचपन में तो ऋतिक के जिम जाने का शौक पूरा नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज शिक्षा के दौरान ऋतिक ने SMS स्टेडियम में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। तब तक ऋतिक ने अपराध की राह पर कदम नहीं रखा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और वैसे वैसे ऋतिक का परिवार का जीवन भी पटरी पर आने लगा। घर में शुरू किए हुए टिफिन सेंटर से घर खर्च भी चलने लगा था। यही वो समय था जब ऋतिक ने अपने जानकारों को कहा कि उसे नौकरी चाहिए, क्योंकि घर घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और उसी समय ऋतिक को मिला एक भटकाव, या फिर यूँ कहें कि उसका जीवन भटकाव की तरफ चला गया। ऋतिक ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताने लगा। सोशल मीडिया के जरिए ही ऋतिक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ आकर्षित हुआ और उसने लॉरेंस और उससे जुड़े बदमाशों के सोशल मीडिया के पेज को फॉलो करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आने लगा। बस यहीं से ऋतिक बॉक्सर की जिंदगी में क्राइम की एंट्री होती है। ऋतिक ने 2018 में ही अपराध की राह पर कदम रखा था और 2023 तक वो राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया और पुलिस ने उस पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। ऋतिक ने जब क्राइम की दुनिया में कदम रखा तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। शायद यही वजह कि उसके हौसले भी बढ़ते चले गए। घर में कोई नहीं था जो उसको रोक पाता या फिर वो ये कह पाता कि तू जो कर रहा है वो गलत है। एक माँ जिसकी जिंदगी दो वक्त की रोटी कमाने में ही गुजर रही थी। ऋतिक जब छोटा था तभी पिता छोड़कर चले गए। बच्चों को पालने में उसकी मां की जिंदगी निकल गई, लेकिन ये तो उस मां ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस बच्चे को वो कड़ी मेहनत कर पाल रही है वो अपराध की दुनिया में मोस्ट वांटेड बनेगा। हम आपको बताते हैं ऋतिक की इस जिंदगी में लॉरेंस और अपराध की एंट्री कैसे हुई। ऋतिक ठकरानी उर्फ ऋतिक बॉक्सर के शुरुआती अपराध को शायद जवाहर सर्किल और मालवीय नगर थाना पुलिस ने ज्यादा गंभीर नहीं लिया। इसी कारण छोटा सा अपराधी लगने वाले ऋतिक पर अब राजस्थान पुलिस को 1,00,000 रुपए का इनाम रखना पड़ा। सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस गैंग के संपर्क में आने के बाद लॉरेंस के इतने नजदीक तक ऋतिक पहुंच गया कि कहा जाता है कि ऋतिक ही लॉरेंस बिश्नोई का सोशल मीडिया हैंडल करता है और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव। ২০২০ में ऋतिक बॉक्सर ने हनुमानगढ़ के एक व्यापारी से रंगदारी मांगी। व्यापारी ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया। ऋतिक ने लॉरेंस के कहने पर व्यापारी पर फायरिंग करवा दी। फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी ली। इस घटना के बाद हनुमानगढ़ पुलिस ने ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया था और ऋतिक पर केस भी चला। कोर्ट ने ऋतिक को 5 साल की सजा भी सुना दी थी, लेकिन ऋतिक बॉक्सर ने कोर्ट में अपील की और जमानत ले ली। जमानत मिलने के बाद से ही ऋतिक फरार है और पुलिस के रडार पर है।
यकीनन पुलिस ऋतिक को ढूंढ रही थी, लेकिन इसी दौर में राजस्थान में और भी कई गैंगस्टर्स एक्टिव थे, इसलिए हो सकता है कि पुलिस की प्राथमिकता में ऋतिक का नाम नीचे चला गया। लेकिन फिर 29 जनवरी 2023 जगह जी क्लब थाना जवाहर सर्किल, ये वो जगह थी जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। फायरिंग में ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि ये पहली बार था जब जयपुर के किसी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ 16 राउंड फायर किए गए थे। बदमाशों ने फायरिंग कर दी, करीबन 3 राउंड यहाँ पर, 3 बदमाश जो आए थे उन्होंने करीबन 16 गोलियाँ यहाँ पर चलाई है, 3 राउंड यहाँ फायर किए हैं। उसके बाद देखिए आप, पूरी तरह से जो शीशा था वो पूरी से चटक चुका है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जो गोलियाँ थी वो पत्थरों पर लगी, इस ग्लास पर लगी और साथ साथ ये जो मॉनिटर लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरे का उसके ऊपर लगी। पुलिस ने यहाँ से करीबन 16 जो राउंड है वो बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश यहाँ पर आए थे एक बाइक पर सवार होकर, उसके बाद में 2 बदमाशों ने अंदर घुस के ताबड़तोड़ इन ग्लास पर और दीवारों पर फायरिंग कर दी। खुद अब पड़ता जो मरसाते फसल से, सर क्या कुछ नज़र में आया फिलहाल अभी तक? फिलहाल तो ये बाहर से फायरिंग की गई है और करीबन 25 फीट दूर गेट के बाहर से, और बुलेट के टुकड़े और कई लेड पीसेज और काफ़ी चीज़ें मिली हमको मौके से। ये कांच डैमेज हो गया पूरा गेट का और एक मॉनिटर है उस पे लगी है और उसमें एक बुलेट मिली है हमको। पुलिस ने तुरंत एक्शन में आते हुए पूरे शहर में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवा दी, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। बदमाश शायद रात के अंधेरे में भाग चुके थे, या फिर इस फायरिंग के बाद उनको कहां और कैसे छुपना है इसका प्लान तैयार कर चुके थे। ये राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि कुछ बदमाश राजधानी में एंट्री करते हैं, खुलेआम फायरिंग करते हैं, डर पैदा करते हैं और फिर भाग जाते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि ये पता लगाया जाए फायरिंग करने वाले कौन हैं और किसके इशारे पर फायरिंग की गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी कि सुबह ऋतिक बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। ऋतिक बॉक्सर का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में था, पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से ऋतिक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था लगातार कि अब राजस्थान में वही होगा जो लॉरेंस बिश्नोई चाहेगा, ऐसे में चुनौती बढ़ती ही गई। और यही दिखा दिया ऋतिक ने, जिस प्रकार से पहले जी क्लब के मालिक से रंगदारी मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर जी क्लब में ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई गई। जवाहर सर्किल थाने का पुराना हिस्ट्री शीटर है ऋतिक बॉक्सर। ऋतिक के खिलाफ कुल 8 मामले दर्ज हैं, 3 जयपुर में, 2-2 श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में दर्ज हैं। ऋतिक के खिलाफ 1 मामला हरियाणा के गोहना में भी दर्ज है। ऋतिक बॉक्सर बहुत ही कम समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अंदर तक चला गया और आज गैंग के अहम सदस्यों में उसकी गिनती होती है। वहीं ऋतिक के खिलाफ हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश, वसूली और आर्म्स एक्ट के कई मामले चल रहे हैं और अब तो राजस्थान पुलिस ने खुलेआम कह दिया है कि अब राजस्थान पुलिस की पकड़ से दूर नहीं अपराधियों के गिरेबान। गैंगस्टर रोहित स्वामी, ऋतिक बॉक्सर जल्द होंगे गिरफ्त में। दोनों अपराधियों को पकड़वाने वालों को मिलेगा 1-1 लाख का इनाम। नीचे लिखा हुआ है कि राजस्थान पुलिस की शक्ति के सामने
पुलिस ने बकायदा इश्तिहार जारी कर दिया, 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया और फोटो भी सार्वजनिक कर दिया। अब पुलिस को इंतजार है उस सुराग का जो ऋतिक बॉक्सर को सीधे सलाखों में डाल दे। हालांकि ऋतिक बॉक्सर के साथ जिस रोहित स्वामी का फोटो लगाया गया है वो देश में नहीं है, तो क्या ऋतिक बॉक्सर भी देश में नहीं है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब ऋतिक की तलाश में आगे बढ़ती है तो फिर बेहद चौंकाने वाला चेहरा पुलिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसका ऋतिक से सीधा कनेक्शन तो है लेकिन वो ऋतिक बॉक्सर नहीं है, तो फिर ये कौन है? ये दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपको दिखाते हैं जो ऋतिक बॉक्सर सोशल मीडिया के जरिए किसी अपराध की जिम्मेदारी लेता, पुलिस को सीधी चुनौती देता, लॉरेंस के साथ खुद के कनेक्शन को बताता, अब उसी सोशल मीडिया के जरिए कैसे ऋतिक बॉक्सर को पुलिस वो झटका देने वाली थी जिसके बाद ऋतिक तड़पने लगा। पुलिस जब ऋतिक के सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ी तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। जी क्लब पर फायरिंग ने ऋतिक बॉक्सर को पूरे राजस्थान में सुर्खियों में ला दिया, लेकिन आज राजस्थान का हर अपराधी जानता है कि जयपुर पुलिस पीछे हटने वाली नहीं है। पुलिस ने तैयारी कर ली कि जल्द ही ऋतिक को सलाखों में डाल दिया जाएगा। इसके लिए तैयार की गई एक स्पेशल टीम जिसको जिम्मेदारी दी गई किसी भी सूरत में इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो कहीं भी छिपे हो, ढूंढ कर निकालिए बदमाशों को। और आदेश मिलने के बाद कमिश्नरेट स्पेशल टीम निकल पड़ी बदमाशों की तलाश में। एक तरफ जहां पुलिस लगातार बदमाशों को तलाश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बदमाशों के प्रति लोगों में डर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने मेहनत की और कड़ी से कड़ी मिलाकर आगरा पहुंच गई। आगरा पुलिस की मदद से पुलिस ने 3 शूटरों को दबोच लिया, लेकिन जब 3 शूटरों को जयपुर लाया जा रहा था तो खो नागोरियान इलाके में 3 शूटरों ने शौच जाने के बहाने पुलिस का वाहन रुकवाया और उसके बाद में पुलिस के हथियार छीनकर वहां से फरार होने का प्रयास किया। लेकिन जयपुर पुलिस किसी भी सूरत में बदमाशों को छोड़ना नहीं चाहती थी, ऐसे में जवाबी फायरिंग शुरू हुई और इसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों के पैरों में गोली मार दी। पैरों में गोली लगते ही 3 बदमाशों को एहसास हो गया कि ये राजस्थान की पुलिस है जिससे बच पाना नामुमकिन है। इसके बाद पुलिस ने 3 को अस्पताल में भर्ती करा दिया। ऋतिक बॉक्सर द्वारा जो ये फेसबुक पे पोस्ट की जा रही है, ये फेक आईडी से लिए हुए मोबाइल सिम और फेक आईडी से लिए हुए इंस्ट्रूमेंट उनका यूज करते हुए इंटरनेट को यूज किया जा रहा है और इंटरनेट पे वीपीएन बना करके ये कॉल की जा रही है। वीपीएन बना करके ही वीपीएन के मार्फत ही ये पोस्ट डाली जा रही है जिससे कि वो अपनी लोकेशन को हाइड कर सके, क्योंकि वीपीएन से आप कई अलग अलग सर्वर्स के थ्रू आप अपनी कॉल को रूट कराते हो, उस वजह से ही अपनी लोकेशन को हाइड करने में सफल हो रहा है। लेकिन उसके बारे में भी पुलिस को महत्वपूर्ण क्लू लगे हैं, बहुत जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। उधर पुलिस इन बदमाशों का इलाज करवा रही थी और इंतजार कर रही थी कि इनके जरिए ऋतिक बॉक्सर के बारे में कोई जानकारी मिले, लेकिन पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही ऋतिक बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट डाल दी, जिस पोस्ट में सीधे सीधे पुलिस को चुनौती दी गई और बदमाशों को गोली मारने के बाद ऋतिक गुस्से में लिखता है कि ओम, हम भी चाहते तो क्लब में किसी को गोली मार सकते थे, चलो जंग की नई शुरुआत गोली मारने से ही करेंगे, जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदानु, फेक एनकाउंटर, LB ग्रुप। इस मैसेज ने पुलिस को और ज्यादा अलर्ट कर दिया।
पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऋतिक बॉक्सर बदला लेने के लिए किसी और वारदात को अंजाम दे। एक तरफ वो बदमाश थे जिनको पुलिस की गोली ने अस्पताल के बिस्तर पर ला दिया था और दूसरी तरफ जयपुर पुलिस लॉरेंस गैंग से जुड़े सभी शूटर्स की तलाश कर रही थी। लेकिन कमिश्नरेट स्पेशल टीम ऋतिक के पीछे पड़ चुकी थी। ऐसे में अब पुलिस ने ऋतिक के साथियों को रडार पर लेना शुरू कर दिया। पुलिस के लिए अभी तक ऋतिक चुनौती बना हुआ था, क्योंकि पुलिस ये समझना चाहती थी कि जिस प्रेस से रोहित लगातार सोशल मीडिया पर पुलिस को चुनौती दे रहा है, वो सोशल मीडिया का अकाउंट कहाँ से चल रहा है। क्या इसके पीछे खुद ऋतिक है या फिर ऋतिक के इशारे पर कोई दूसरा चेहरा काम कर रहा है। लेकिन जब पुलिस तहकीकात करते हुए ठिकाने पर पहुंची तो एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने खुद पुलिस को भी आश्चर्य में डाल दिया। ये खुलासा था, ऋतिक की बहन ही ऋतिक का सोशल मीडिया अकाउंट चला रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि ऋतिक बॉक्सर की बहन लवीना ऋतिक का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करती है। जांच में ये भी सामने आया कि ऋतिक के नाम से चलने वाला सोशल मीडिया अकाउंट कई जगह से संचालित होता है, जिनमें से एक यूजर उसकी बहन लवीना है। ऋतिक बॉक्सर के नाम से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट कई जगह से संचालित होता था, जिनमें से एक यूजर उसकी बहन लवीना भी निकली। लवीना ने अपने मोबाइल में भाई का अकाउंट ओपन कर कई पोस्ट शेयर की थी। लवीना झालाना डोंगरी में रहकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। पुलिस ऋतिक के कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है, उसकी बहन को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ऋतिक अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। लेकिन कितने दिन दूर रहेगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई खुद जयपुर पुलिस के रिमांड पर है और लॉरेंस से पुलिस यकीनन ऋतिक के बारे में जानकारी जुटा रही होगी। वहीं लॉरेंस के कई गुर्गे को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। ऋतिक बॉक्सर का भी नंबर आएगा। ऋतिक बॉक्सर सोचिए जरा, जिसकी मां ने जीवन भर अकेले पाला, ये सोचकर पाला कि बेटा नाम रोशन करेगा, टिफिन सेंटर चलाया ताकि ऋतिक एक बेहतरीन इंसान बन पाए। लेकिन जिस ऋतिक को घर की जिम्मेदारियों को संभालना था, उसने अपराध की राह पर चलते हुए बंदूक संभाली और अब हाल ये है कि वो छुपता घूम रहा है। लेकिन कब तक, क्योंकि हम कहते हैं कि किसी भी अपराधी की जिंदगी का अंत तीन ही तरह से होता है। या तो हमेशा के लिए वो छुपता घूमता है, या फिर किसी गैंगवार या पुलिस की गोली का शिकार होता है, या फिर हमेशा के लिए सलाखों में कैद सांसों को गिनता है। देखते हैं राजस्थान पुलिस से ऋतिक बॉक्सर खुद को कब तक बचा पाता है। गैंग्स ऑफ राजस्थान में इतना ही। जय हिंद।